कहते हैं केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि ब्रह्मांड में धरती का संतुलन बनाने में मदद करता है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी अक्सर मैसूर के जगम ब्राह्मण ही होते हैं, जहां भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के पिंडी रूप में मौजूद हैं। हालांकि तथ्य तो ये भी बताते हैं कि जब भगवान शिव बैल की अवस्था में कई सालों तक जंगलों में भटकते रहे, तब उस समय भगवान शंकर की 7.5 चल रही थी, जो कि शनिदेव का ही एक प्रकोप का हिस्सा था। अगर हम केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो ये मंदिर लगभग आज से 400 साल से अधिक पुराना है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इससे कई साल पहले तक यह मंदिर बर्फ के नीचे दबा हुआ था। जब धरती पर हिमयुग खत्म हुआ, तब केदारनाथ घाटी में पहली बार आज से 400 साल पहले यह मंदिर दिखाई दिया, जिसके निर्माण को लेकर आज तक वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इतिहास से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप याद से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट www.diaghoribaba.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट अकाउंट पर भी लिंक कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर का इतिहास बताता है कि केदारनाथ का मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जिसको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव बैल के रूप में विराजमान हैं, जहाँ पर बैल के पीछे का हिस्सा मौजूद है। इसके पीछे एक विचित्र कहानी छिपी हुई है। आज हम उसी कहानी के बारे में आपको बताएंगे और जानेंगे केदारनाथ यात्रा के बारे में भी, कि आखिर केदारनाथ यात्रा कब और कैसे शुरू हुई। वैसे प्राचीन कथाएं कहती हैं कि एक बार भगवान शिव शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर कई वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे। इसी बीच पांडवों को भी भगवान शिव की तलाश थी। एक ओर भगवान शिव शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए बैल बने फिरते, वहीं दूसरी ओर पांडवों को अपनी मुक्ति के धन संकट से बचने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद चाहिए था। ऐसे में ना तो भगवान शिव शनिदेव को मिल पाते, ना ही पांडवों को। एक बार भटकते भटकते पांचों पांडव केदार घाटी में पहुंच गए। तभी बैल रूपी शिव यहाँ पर घास चर रहे थे। तब भीम ने शिव को पहचान लिया, और जैसे ही भीम शिव को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन तब तक भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली। बैल के पीछे का हिस्सा यहीं रह गया और बैल का सर काठमांडू में जाकर निकला, जहां पर आज का पशुपतिनाथ मंदिर स्थापित हुआ। यहां पर भगवान के बैल के सर के रूप में शिवलिंग के अवतार को पूजा जाता है। वहीं केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव बैल के सर के नीचे के हिस्से यानी धड़ के रूप में पूजे जाते हैं। जब भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली, तब भगवान शिव ने पांचों पांडवों को इसी स्थान पर दर्शन दिए, जहां पर आज के समय में ये केदारनाथ मंदिर मौजूद है। केदारनाथ मंदिर लगभग 3553 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इतना भव्य और विशाल मंदिर इतनी ऊंचाई पर कैसे बना और किसने बनाया, इसकी कल्पना आज तक नहीं की जा सकी। इसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर कत्यूरी शैली में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था, लेकिन जिन पत्थरों से इस मंदिर को बनवाया गया, वो पत्थर ना तो इस पूरे इलाके में कहीं पाए जाते हैं और ना ही इस पूरे उत्तराखंड में कहीं मिलते हैं। ऐसे में इस मंदिर के निर्माण को लेकर आज तक कई सारे सवाल भूवैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग वालों के जहन में बने हुए हैं। केदारनाथ की यात्रा के बारे में कहा जाए तो यह यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ही धर्म और मुक्ति की प्राप्ति के लिए चली आ रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर ने धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में धरती पर अवतार लिया, जो कि धरती का संतुलन बनाए रखता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि पृथ्वी को एक समान दूरी पर घूमने की दिशा और धरती का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे कि किसी दीवार पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया जाए और वो किसी एक तरफ न झुके। इसके लिए उस लकड़ी के फट्टे के दोनों तरफ एक समान वजन वाली चीज़ रख दी जाए जिससे लकड़ी का फट्टा सीधा हवा में झूलता रहे। यह एक तरह के किसी विज्ञान की तरह काम करता है। ठीक 12 ज्योतिर्लिंग भी धरती को ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का काम करते हैं। अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो ये साल के 6 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। अप्रैल के माह से लेकर लगभग अक्टूबर तक केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर देहरादून से सीधा सोनप्रयाग तक के लिए बस या फिर टैक्सी ले सकते हैं, जहाँ रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग पहुँचकर गौरीकुंड से लगभग 14 से 16 किलोमीटर का एक ट्रैक है, जिसके बाद आप केदारनाथ मंदिर परिसर पहुँचते हैं। ट्रैकिंग के रास्ते में आपको खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था, रहने के लिए होटल, विश्राम करने के लिए विश्राम गृह इत्यादि की सुविधा आसानी से मिल जाती है। यदि आप 4 से 5 दिन के लिए यहाँ आते हैं तो मान लीजिए लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं। आप 2 दिन पहुँचना, 2 दिन वापसी आना और 1 दिन दर्शन के लिए यहाँ पर बिता सकते हैं।